विनोबा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर फोर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 9 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2019 से 22 सेशन है। टोटल इसमें 80 मार्क्स है और 3 आवर्स के एग्ज़ाम है। इसमें से चार नंबर मीन्स चार क्वेश्चन कंपलसरी बनाना है हमें, और जो नंबर 1 जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है, मीन्स ये बनाना ही बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं जो एक एक नंबर का है। एम बोल रहा है एफ डी रूजवेल्ट राष्ट्रपति के लिए कितनी बार निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन दिया हुआ है एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। बी में दिया हुआ है वुड्रो विल्सन का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है 1885 AD, 1856 AD, 1855 AD, 1857 AD। सी नंबर क्वेश्चन, मान अधिनियम कब लागू किया गया। 1910 AD, 1911 AD, 1912 AD और 1913 AD। क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है स्पेन का गृह युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ। 1934 AD, 1935 AD, 1938 AD, 1936 AD। क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है वर्षाय की संधि कब हुई। 1919 AD, 1920 AD, 1922 AD, 1921 AD। एफ नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। 1940 AD, 1939 AD, 1945, 1950। जी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में अणुबम का प्रयोग किस देश ने किया। तो इसका ऑप्शन 1 है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका या जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर एच है विशुद्ध खाद्य पदार्थ और औषध अधिनियम कब पारित हुआ। 1905 में, 1907 में, 1906 में या 1904 में। इसमें से आप लोगों से एक आंसर चुनना है। आई नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ। 1919, 1920, 1925, 1922 AD। जे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पेरिस सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया। ए 30, मतलब वन ऑप्शन 30, सेकंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 34 और फोर्थ ऑप्शन 36। क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न दिए हुए उसमें से आप लोगों को संक्षिप्त टिप्पणियां करना है या फिर लिखना है। तो ये देख लीजिए आप लोग। फिर मेन क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है स्पेन अमेरिकी युद्ध के कारणों और परिणामों को परीक्षण कीजिए। 3 बोल रहा है डी रूजवेल्ट के कार्यकाल में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। 4 बोल रहा है वुड्रो विल्सन की गृह नीति की विवेचना कीजिए। 5 बोल रहा है फ्रेंड्स विलियम होवार्ड टाफ्ट के कार्यकाल में सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रेंड्स अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों पर प्रकाश डालें। और लास्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास के क्या कारण थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और साथ ही